वेलकम बैक दिव्यांश, कैसे हो यार आप लोग। तो जैसे कि मैंने बताया था जब मैं कैमरा खरीदा था कि विश लिस्ट में मैकबुक प्रो कैसा तो जैसे कि मैंने जब कैमरा परचेस करा था वहाँ पे मैंने बताया था फ्लैशबैक ड्रोन है, गोप्रो है, एप्पल का मैकबुक प्रो है कि विश लिस्ट में गोप्रो ड्रोन और मैकबुक प्रो है। तो आज वही इनमें से एक का मैकबुक प्रो लेने जा रहा हूँ और भाई फिर से साथ में। लास्ट वीडियो में भी हमने जब बाइक की वीडियो बनाई थी एक्चुअली वो आज ही थी बट मैंने वो अलग पोस्ट करा, इसका अलग बना रहा हूँ ताकि दोनों मिक्सअप मैच ना हो। कोशिश करूँगा, करोल बाग में एक शॉप है वहाँ पे बना देंगे वीडियो, चांसेस कम है कि वहाँ पे मैकबुक की वीडियो बनाने कम देखिए। तो शोरूम में ये क्या है पता नहीं, अगर भाई बता रहे तो, अगर देंगे तो बना लेंगे शायद वहाँ थोड़ा सस्ता मिलता है। बाकी चेक करते, मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे ऑथोराइज डीलर से ही परचेस करूँ या समथिंग कुछ, एक ऑथोरिटी हुई है। छोटी मोटी चीज़ है नहीं और सस्ती चीज़ है नहीं, ये बिल्कुल अप्रोक्स दो पेटी का पड़ेगा और दो पेटी जो समझ नहीं पाया तो छोड़ो, अभी जाके देखते हैं क्या किस सामान का पड़ेगा। और कोई इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करता तो मैंने ये पहले ही अपडेट कर दिया था तो आप लोगों ने मिस कर दिया, तो जाओ यार इंस्टाग्राम पे फॉलो करो मुझे, वहाँ पे आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो कुछ ये मिस किया है तो मैंने कोड डाला था कि मैं परचेस करने जा रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो करो यार। सीपी सीपी में यहाँ पे काफी सारे ऑथराइज सेलर होते हैं तो हम लोग यहाँ पे पता करेंगे। हमने काफी जगह पे कॉल किया जस्ट डायल से नंबर मंगाने के बाद और जहाँ से हमें बेस्ट प्राइस मिलेगा वहाँ से हम लोग चेक करेंगे। एक और चीज़ उन लोगों ने मतलब बात करें तो बताया, अगर आप स्टूडेंट कार्ड है या कॉलेज आईडी कार्ड है तो 7% का डिस्काउंट मिलता है। भाई कोशिश नहीं और ज़्यादा डिस्काउंट ले क्योंकि मुझे थोड़ा बड़ा सा ही लैपटॉप लेना है जो उसका कोटेशन आ रहा है 2,30,000 का उन्होंने बताया है। अभी जाके देखते हैं कितना डिस्काउंट होता है, क्या क्या मिलता है। भाई कोशिश करूँगा 15 इंच का ही ले और कम में हो जाए। हम लोग प्राइस हर जगह सेम ही मिल रहा है लाइक 2,28,000। तो प्रॉब्लम ये है कि हर कोई डिस्काउंट अलग अलग दे रहा है। लास्ट जो हमें सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिला जो स्टूडेंट उस पर था मतलब स्टूडेंट कार्ड पे वो था 7% का, यहाँ पे जब पता गया यहाँ कह रहे 6% का। तो अभी एक बार चेक करें, हम नोएडा में भी चेक करेंगे। हाँ भाई 2,13,000 ये भी 7% डिस्काउंट मतलब वही 7% डिस्काउंट का 13 का वही बताया था फीचर में। तो एक बार हम लोग DLF मॉल के अंदर भी जाके चेक करें जो नोएडा में है, तो सीपी से आप निकलेंगे नोएडा की तरफ वहाँ पे शोरूम में भी रखा हुआ अभी था 2016 का ही मॉडल है, टच बार जो भी होगा जाके पता करते हैं। मुझे DLF मॉल की एक बहुत ख़राब चीज़ लगी, जैसे मैं यहाँ पे एंट्री लेने लगा ये लोग कहने लगे सर ये कैसा कैमरा है, ये मीडिया से है समथिंग लाइक दैट। और इन्होंने क्या किया कि सर आप अपना स्टैंड और ये सब कैरी करके अंदर रखिए। फिलहाल मैं ऐप स्टोर पहुँच गया हूँ। बड़े अजीब लोग होते हैं इंडिया के, मतलब सबके पास कैमरा कोई दिक्कत नहीं, मैं बड़ा कैमरा है मेरे पास तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इनको। दीदी कॉलेज आई डी अच्छा तुम्हारे कैसे, ये रहा हमारा टैक्सी बीस सब इसका ये है प्राइस 2,30,000। ऑलमोस्ट हर जगह आपको प्राइस सेम ही मिलेगा, जो मैं लेने वाला हूँ ये लूँगा भाई। ये इंडिया में सबसे इस टाइम इससे ज़्यादा हाई एंड का है ही नहीं इस टाइम, तो इंडिया में अगर मुझे इससे हाई एंड का चाहिए तो मुझे फिर वो इंपोर्ट कराना पड़ेगा, उसमें कुछ वारंटी गारंटी कुछ मिलेगा नहीं। इस पर सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मुझे यहाँ पे मिला जो 10% के लोग दे रहे हैं जो स्टूडेंट आईडी पे, तो स्टूडेंट तो मिल ही जाता है। इनका ऐसा होता है कि आप अपने नाम बिल करा लो बस एक स्टूडेंट आईडी दे दो ताकि ये लोग डिस्काउंट दे पाए, ये काफ़ी अच्छा है। बाकी इसमें हब भी लेना है हमें, वो अलग पड़ेगा आई थिंक 5,000-7,000 का अलग पड़ेगा। जो डिस्काउंट के बाद जो प्राइस पड़ रहा है वो ये है, देख लो सच्ची बात। तो एक साइड ही किडनी बेच के आप ले सकते हो, वैसी कोई दिक्कत नहीं, मैंने बेच दिया अगली ले चाहिए क्या। ये आए हमारे लेट लती, मैंने इसे बोला था 6,50 कह रहा हूँ 6,40 पे, 6,40 पे तेरे को बताया था और ये 7,50 पे 7,25 पे मतलब दो स्टेशन दूर है तू घर से। अबे भाई तो कपड़े भी तो होते ना, ओ यहाँ भाई शॉर्ट्स में थोड़ी आ सकता हूँ मैं यहाँ पे, समझ हाँ तेरी सगाई होने वाली है यहाँ तेरे बैठे हुए इस तरीके से। तो अभी भी बार्गेनिंग चल रही है कि और सस्ता हो जाए, बाकी हाफ तो लूँगा नहीं। तो लोग देख सकते हैं अंदर के बता रहा हूँ 12% करवा लिया मैंने डिस्काउंट, बाकी आप भी करवा लेना। तो ये मुझे पड़ा 2,00,000 रुपये का और जो उसके साथ जो हनीवेल का कनेक्टर जो है अमीर हो गया। एक और विशलिस्ट, अब बहुत जल्दी हम लोग ड्रोन भी लेने वाले हैं। मैं ऑलमोस्ट पूरे दिल्ली घूम चुका हूँ तो सब कहीं पे सबसे कम मुझे मिला था 5% का और यहाँ पे मेरे को मिला 12% का डिस्काउंट। अभी जो मैंने मैकबुक प्रो लिया ना लिटरली उसका जो विड्थ है वो इससे कम है,
जो पैसे दे रहा है उससे डबल ट्रिपल है, ऐसे गड्डी ऐसे जा रहा है, ऐसे इतना मोटा, और जो खरीदा वो इससे पतला है। तो ये नेक्स्ट डे है, कल रात को हम जब परचेस कर रहे थे तो वहाँ रात हो गया था। और एक और बात बता दूँ किसी को अगर पता नहीं, तो इसी का दूसरे मॉडल का मतलब वो ऑरेंज कलर का उसका गिवअवे चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप परचेस कर सकते हो। टोटली 5 दिन बाकी है, 5 दिन के बाद वो गिवअवे एंड हो जाएगा, तो उससे पहले आप एंट्री ले लो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इसका हब लेने ताकि दुनिया से कनेक्ट कर पाओ। तुम्हें क्या लगता है वो तुमने ये मतलब 2 पेटी और क्वार्टर पेटी मिला के जो तुमने लैपटॉप लिया अपनी दुनिया से कनेक्ट हो जाओगे? ना 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 बाबा, ऐसा नहीं है। इस पर तुम अभी और पैसे खर्च करोगे ताकि तुम इस पर एडिटिंग शुरू कर पाओ। तो अभी जा रहे हैं नेहरू प्लेस, वहाँ से जाके इसका हब लेना है ताकि नॉर्मल दुनिया से कनेक्ट कर पाओ इस लैपटॉप को। तो नेहरू प्लेस जाने में करीब हमें लगेगा 30 टू 45 मिनट, और अभी बज रहे हैं 1 बज गया भाई मेरे ख्याल से, हाँ 1 बज गया। मुझे इसका इंश्योरेंस कराना है, उसके बाद मुझे लेमिनेशन कराना है, हार्ट चल कवर लेना है, और जो थाई पे रख के यूज़ करते हैं वो जो टेबल होता है वो भी लेना है। क्योंकि यार एक टिप देता हूँ, कहीं भी कोई सा भी लैपटॉप उसे थाई पे रख के यूज़ मत करना, क्योंकि आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है कि उसमें से जो हीट निकलता है। अभी मैं हेलमेट ही पहनूँगा क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग कमेंट करने वाले हैं, दे भाई तूने यार है स्कूटी में और तूने हेलमेट क्यों नहीं पहना, हेलमेट ही पहन लेता हूँ। प्लान ये है कि अभी 3-4 जगह पे हम लोग हब का प्राइस पता करेंगे। तो सबसे पहले जाना है कॉस्ट टू कॉस्ट, वो जो सबसे फेमस शॉप है और नेहरू प्लेस है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसका प्राइस लिस्ट भी मैंने अपनी वो वीडियो में बता रखा था। यहाँ पे ऐसा हो रहा है, सबको लग रहा है ये आदमी खुद ही से बात करता कैमरा सामने रख के, इनको नहीं पता कितने सारे दिव्यांश लोग प्यार करते हैं उनसे बात कर रहा होता, ये ना क्या जाने अपने को। तो अभी हमने जो पता किया था वो कोई लोकल सी कंपनी का था, वो बता रहे थे कि 1100 रुपये का है, बट मुझे हनीवेल का चेक करना है क्योंकि जो शोरूम में था वो हनीवेल का प्रोवाइड कर रहे थे करीब 7000 रुपये में, और मैंने जब उसे ऑनलाइन चेक किया था वो 6300 का था। तो अभी मैं चेक करूँगा कि उससे कम में यहाँ मिल पाएगा या कोई दूसरी कंपनी जो उससे बेटर मिल पाए वो वाला चेक करूँगा। अभी कॉस्ट टू कॉस्ट पहुँच गया, तो इसके अंदर शूट करना अलाउ नहीं करते, तो कोशिश करूँगा कि चुपके शूट हो जाए, हो जाए नहीं होता कोई नहीं, मैं बाहर आके बता दूँगा स्टोरी। यहाँ पे आपको अजीब अजीब से लोग भी मिलेंगे। तो हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट में पता किया, वहाँ था ही नहीं, पहले उनको पता ही नहीं चला कि हम मांग क्या रहे हैं, तो छोड़ो उसने। तो बाकी हमने यहाँ पे 2-4 दुकानें पता करा, सबसे जो बेस्ट प्राइस मिला वो 5600 रुपये का पड़ा हमें, तो जो वहाँ पे हमें देते हैं 8000 का बता रहे थे, कम कम करके 7 पे आए, उससे कम वो कर ही नहीं रहते। और हम वही चीज़ 5600 में, करीब 1400 रुपये का प्रॉफिट नेहरू प्लेस आने पे। तो ये फ़ायदा होता है नेहरू प्लेस में, आपको हर एक चीज़ कम रेट में मिलते हैं, बस आपको ढूंढना आना चाहिए, थोड़ा सर्च करो अभी तो ढूंढ रहा। हाँ एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे कार्ड पे अगर करोगे 2% एक्स्ट्रा लेंगे, तो इसी वजह से हम लोग जा रहे हैं ATM पैसे निकालेंगे और उनसे कैश मुँह पे मारेंगे, उसके बाद करेंगे लेमिनेशन। हमें एट द एंड और थोड़ा सर्च किया तो हमें सस्ता पड़ा करीब 5450 का, तो 3 साल की वारंटी जो एप्पल वाले के स्टोर से मिला था वही मिला हमें। तो नेहरू प्लेस से आप आओ, सर्च करो, सस्ता मिलेगा। अभी सर्च करना है हार्ड शेल कवर और उसका लेमिनेशन करवाना है, उससे दोनों में से जो दोनों ही कराऊँगा, पहले कवर कराऊँगा और उसके बाद हार्ड शेल कवर। नेक्स्ट है हार्ड शेल कवर जो हमें पड़ रहा है 1350 रुपये का ट्रांसपेरेंट, बाकी जो इसमें काम किया है बहुत अच्छा वाला किया। अगर यही काम मैं तो नोएडा सेक्टर 18 से कराता तो 1000 रुपये से कम नहीं लेता, यहाँ 450 रुपये में हो गया। रीज़न ये है कि मतलब पहले लेमिनेशन करा उसके बाद हार्ड शेल कवर, क्योंकि इसकी है मेटल बॉडी, अगर आप कोई मेटल की बॉडी के ऊपर प्लास्टिक शेल का कवर चढ़ाते हो तो उसके छोटे अगर धूल आना शुरू होता है तो स्क्रैच कर देता है। ये
वीडियो यहाँ पर ही खत्म होते हैं। दो दिन लगा के मैंने मैकबुक लिया, उसके ऊपर छिलका चढ़ाया, अब सिर्फ बचा इंश्योरेंस जो मैं ऑनलाइन कराऊंगा, कोशिश करूंगा कि वहाँ से हो जाए। क्या हो देख रहे हो, जब कैमरा ले घूमो तो ऐसे लोग अच्छा लोग मिल जाते हैं। क्या होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, तो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करके बताना कि न्यू मेंबर हमारे दीवान फैमिली में कैसा लगा। तो आप सभी को यार थैंक यू सो मच, आप लोगों का प्यार था तभी ये पॉसिबल हो पाया। और तब तक के लिए बाय बाय।